नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बताते, इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, कीड़ा परिषद के रिटायर कर्मचारियों के लिए राशि जारी कर दी गई है। और वहीं सीएम अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बताते, तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, क्रीड़ा परिषद के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन परिलाभ, बड़ी जानकारी अहम खबर, क्रीड़ा परिषद के कर्मचारियों के लिए राशि जारी कर दी गई है। और सीएम अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तो पेंशन परिलाभ हेतु 13.40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन परिलाभ दिया जाएगा, इसको सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता दें, रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन परिलाभ दिया जाएगा, क्रीड़ा परिषद के कर्मचारियों के लिए राशि जारी कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश टांगे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या पूरी जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है के जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनके पेंशन परिलाभ के लिए बड़ी घोषणा की है और करीब 13.40 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को उन्होंने यहाँ पर मंजूरी दी है। और इस प्रस्ताव के अनुसार जो परिषद के रिटायर्ड कर्मचारी है उनका जो पेंशन परिलाभ है अब वो राजस्थान सरकार किया जाएगा, साथ परिषद की समस्त जो संपत्तियाँ है वो राज्य सरकार में निहित होगी। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट द्वारा स्वाईमानसिंह स्टेडियम में कॉमर्शियल गतिविधियों पर रोक लगी होने के कारण जो क्रीड़ा परिषद की आय है वो कह सकते हैं नगण्य है, शून्य है। ऐसे में परिषद एक अलाभकारी संस्था है तथा राज्य सरकार के अनुदान से वो क्रीड़ा परिषद संचालित होती है। तो ऐसे में संस्थान के जो कर्मचारी है समस्त वेतन भत्ते आदि राज्य अनुदान से ही वहन होते हैं। ऐसे में अब पेंशन परिलाभ के लिए भी सरकार ने मंजूरी दे दी है और रिटायर्ड कर्मचारियों को जाहिर की बात है उनको बुढ़ापे में एक बड़ा सहारा मिलेगा, समय पर पेंशन और अन्य परिलाभ मिलेंगे। बिल्कुल दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।